गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप यू आर वेल। सो मेरे 360 फॉलोवर्स हो गए हैं, आई एम सो हैप्पी। दे ऑल आर सो इम्पॉर्टेंट टू मी। यहाँ तक आने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं हो जाते फॉलोअर्स, आई मीन सब्सक्राइबर्स। तो थैंक यू सो मच गाइज, एंड जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। वैसे सब मुझे जानते हैं मैं कौन हूँ, फरीने फरनाज, सभी जानते हैं। एंड फॉर दोज हु डोंट नो, आई एम फरनाज खान। गाइज आज तो मुझे बहुत काम है, मार्केट भी जाना है और कुछ ऑफिस वर्क है एंड कुछ एक्स्ट्रा वर्क है, तो इट विल बी सो बिजी डे। अभी ना गाइज जो हमारे यहाँ काम करती हैं, मतलब झाड़ू पोछा, वो मेरे पास थी, वो मुझे कुछ दिखा रही थी कि देखो ये। मैंने कहा अभी दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। तो मैंने कहा मैं कुछ कर रही हूँ, तो बोले हैं हाँ हाँ मैं समझती हूँ, तुम्हारा ऑफिस का काम है ये, तुम ऑफिस का काम ही कर रही हो ना। शी इज़ सो इनोसेंट, लाइक बहुत प्यारी है। अभी सबसे पहले मुझे रूम संगवाना है और उसके बाद बताती हूँ मैं क्या क्या करूँगी। गाइज आज हमने ऐसे कुछ बनाया नहीं है क्योंकि कल का रखा हुआ था पालक पनीर, उसमें से पनीर तो ख़त्म हो गया, तो अब हम उसमें अंडे डालेंगे, मतलब उबले हुए अंडे। तो इग्नोर बैकग्राउंड म्यूजिक। डन। ओह हेलो, इसका पानी चेंज करना होगा, बहुत बेकार हो गया। यस, डायरेक्टली स्टोन्स वॉश कर लूं प्लान था इसके अंदर। और नीचे जाओ, ये तो ऊपर ऊपर आ रही है, जा ही नहीं रही है। रुको मेरा हाथ तो काट ले। जाओ बेटा जा जा जा। सो गाइस मेरे पास चार थी टोटल, तीन की तो स्टार्टिंग में ही डेथ हो गई थी, मुझे इतना दुख हुआ था उस टाइम। अब यही बची है और ये सबसे शैतान थी, सबसे ज़्यादा मुझे तो ऐसा लगता है इसने कुछ कराया उनको डरा डरा कर। बट बहुत दुख हुआ, एक यही बची है मेरे पास। इसमें मतलब इनकी लाइफ कम होती है कंपेयर टू एक्वेरियम, बिकॉज एक्वेरियम में वो फिल्टर होता है ना, फिल्टर होता रहता है पानी, तो वो सही है। सो गाइस अब मैं रोटी बनाऊंगी, तो आई एम गोइंग टू बाथ, उसके बाद खाना खाऊंगी। बहुत लेट हो गई हूँ आज, तो उठी 12 बजे थी। चलो मिलती हूँ। सो लंच में मैं पालक अंडा खा रही हूँ, पालक अंडा या फिर अंडा पालक, जैसे पालक पनीर बोलते हैं तो पालक अंडा। सो गाइज आई बाथ एंड मैंने लंच कर लिया, उसके बाद मैंने नमाज भी पढ़ी थी, असर की नमाज पढ़ी थी। अब मगरिब का टाइम हो रहा है, मगरिब की भी नमाज पढ़ूंगी। तो उससे पहले हम चिट चैट कर लेते हैं, उसके बाद हम मार्केट जाएंगे। टेरेस पर हूँ, तो मैं क्या बोल रही थी, आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं? लाइक मैं तो नॉर्मल वे में ही बना रही हूँ, आप मुझे बताओ कि क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए उसमें। लाइक म्यूज़िक और कुछ कुछ इफेक्ट्स, सिर्फ मैं म्यूज़िक ऐड करती हूँ, म्यूज़िक आई होप ठीक है, नॉर्मल है, बट इफेक्ट मैं ऐसे कुछ नहीं डालती हूँ। दैट आई हैव टू लर्न। मैं अपनी वीडियो एडिट तो एक एप्लीकेशन है इन शॉर्ट, उसमें करती हूँ, और मुझे इतना आइडिया नहीं है, अगर आपको पता होगा तो मुझे बताना।
सो गाइज, अभी अजान हुई थी, आपने भी सुनी होगी, जो ये मौलाना स्पीकर पे बोलते हैं ना, उसको अजान बोलते हैं। एंड अजान सुनकर इतना सुकून और लाइक हमारे सारे गुनाह माफ़ भी हो सकते हैं अगर तुम ध्यान से सुनो। एक बार कभी ट्राई करना कि अजान ध्यान से सुनना, तुम्हें इतना सुकून मिलेगा। और सो गाइज, मैं आजकल सूट पहन रही हूँ बिकॉज इसमें फुल स्लीव्स होती हैं, और जो फुल स्लीव टी शर्ट्स हैं वो मैंने सारी बेड में रखी हुई हैं, अलकस में नहीं निकाल रही हूँ मैं। और गाइज, आपसे बात करते करते मुझे मून दिख गया, लेट मी शो यू। वाओ, आई लव दिस शेप, इसको नेचुरल सैटेलाइट भी बोलते हैं, है ना। गाइज, एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ, ये आपके यहाँ भी आती होगी। ये मच्छर मारने वाली दवाई है गाइस। अब मैं कितना फोगी फोगी हो गया। सो गाइस, अब हम मार्केट जा रहे हैं। हाँ बैठे, हाँ पर अच्छा। सारी साड़ी रखी हुई है। So guys, ये साड़ी ट्राई करके देखिए। कटियो भाई, ये पकड़ नहीं होगी। इस पे तो कोई भी चल जाएगा जो बॉर्डर में आना है। अच्छा, बॉर्डर में कौन सा है? येलो भी है, ग्रीन भी है, रेड भी है। अच्छा अच्छा, गाइस मैं ब्लैक कलर की साड़ी पहनकर देख रही हूँ, बहुत अच्छी लगी मेरे ऊपर। कौन सी अच्छी लग रही है साड़ी गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा। गाइज, आई एम बैक टू होम। हमने इतनी साड़ी और ये सूट देखे, बट फाइनली मैं एक सूट और एक साड़ी लेके आ गई हूँ। सूट तो कंफर्म है कि वो मुझे लेना ही है, और साड़ी अभी मुझे डाउट हो रहा है, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि वो मैं लूँ या नहीं। एक बार पहन कर देखूँगी प्रॉपर, क्योंकि वैसे तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं ले आई उसको जस्ट ऐसे ही, सस्ती मिल रही थी। हम इतनी लेट गए थे कि सब वहाँ पर थके थके लग रहे थे। उन्होंने तो बोल दिया था कि सुबह आ जाना, हम कह रहे थे यार हम इतनी मुश्किल से टाइम निकाल के आए हैं, अभी दिखाओ, तो वो फिर भी मना कर रहे थे। एंड फिर हमने ना उनकी जो हेड है उनको बोला कि जो हम इतनी मुश्किल से टाइम निकाल के आए हैं, कन्विंस किया, फिर उन्होंने दिखाए हैं। तो ट्राई करो कि मॉर्निंग और नून में जाओ, इवनिंग में वो बहुत थक जाते हैं। सो गाइज, ये पहन कर गई थी मैं मार्केट, ये मैं लाजपत नगर से लेके आई थी, अराउंड 650 का होगा। तो इसके साथ ना लखनवी कुर्ती के साथ वो भी आया था, जो इसका इनर होता है वो भी आया था। मेरे पास सेम, ये तो शिफॉन में है, मेरे पास सेम कॉटन में भी है, तो दोनों सेम से लगते हैं, बट ब्लैक कलर अच्छा लगता है, कहीं भी पहन जाओ। और गर्ल्स के लिए सूट या कोई भी ड्रेस सेलेक्ट करना ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मेरे लिए तो स्पेशली, बहुत चूज़ी हूँ मैं तो। क्योंकि हम क्या करते हैं, कोई भी ड्रेस एक दो बार पहना
फ़ोटो वोटो खिंचाए, फ़ोटो वोटो क्लिक करवाए, वो फिर हमारे लिए पुराने हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो भी आप ड्रेस लेके आए वो ज़्यादा प्राइस में नहीं हो, बिकॉज ज़्यादा कॉस्टली नहीं हो, क्योंकि हम उनको इतने ज़्यादा पहनते तो है नहीं। और गाइस सुनो सुनो, मैं अभी ब्लैक साड़ी ट्राई करके देखती हूँ, अच्छी लगेगी तो बताना, मैं उसको पहन लूँगी अभी, क्योंकि फंक्शन है हमारे घर में। नहीं अच्छी लगी ना तो मैं मॉर्निंग में उसको बदल के आ जाऊँगी, कुछ और ले आऊँगी इसकी जगह, या फिर पैसे वापस ले आऊँगी। ठीक है, गाइस आज हमने नहारी मंगवाई है, नहारी और नान रोटी। तो नहारी कहाँ से मंगवाई है, अम्मी से पूछ के आती हूँ, चलो चलो चलो। अम्मी कहाँ से मंगवाई है नहारी, बताओ जल्दी 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 बताओ। गीदड़े, क्या नाम है उनका, गीदड़ा, गीदड़ा ही क्या है। अच्छा, गीदड़े के यहाँ से मंगाई है, गीदड़ा गीदड़ा गीदड़ा। कहाँ पे रहते होंगे ये, अजीब अपनी अलमारी संगवा रहा है। अच्छा, सदिकपुरा, ये अजीब का फोटो देखो, स्कूल फोटो। कहती कितना है तुम्हें, तो मासूम सा लग रहा है। कॉलेज नहीं है, स्कूल का है मम्मी। ये कॉलेज का है नहीं मम्मी, स्कूल। देखो ये स्कूल में इसके सारे फ्रेंड्स, बताओ कहाँ पर है अजीब, ये रहा। अच्छा, तेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, कहाँ है, ये रहा। मोहित कितना वो लग रहा है, हेल्दी, मोटे से लग रहा है, अब तो इतना फिट हो गया है ना। मोहित तेरे साथ पढ़ा हुआ, अजीब, मुझे अडैप्टर चाहिए। ठीक है, मुझे दे दियो ये। हमारे नहीं थे ऐसे, हमारे भी बन जाते। तो गाइस अब मैं ऑमलेट बनाऊंगी अब्बू के लिए। तो दो अंडे लिए हैं और आधी प्याज और एक हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया। ठीक है, तो गाइस पेस्ट रेडी हो गया, मैंने फोक यूज़ करा है। जैसे बहुत लोग मैशर यूज़ करते हैं, अगर आपके पास मैशर नहीं है तो ये फोक यूज़ कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको ऐसे मिक्स करो तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनता है। Guys, I am back to home.